भोजन समाज की सारी अपडेट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करो भारत दस्तक को, और दोस्तों दबाओ ये नोटिफिकेशन बेल हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो कैसी है मेरी भोजन आर्मी में भोजन बॉय सुमित, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं भोजन समाज की सोशल मीडिया और यूट्यूब की कुछ अपडेट। तो सबसे पहले ये पोस्ट देखो, फोटो देखो, जिसमें बताया जा रहा है कि भोजन समाज की एक लड़की है, भीम शेरनी अंबेडकरवादी लड़की, मनुवादियों की एसटीसी करने वाली लड़की, जिसका नाम है प्रियंका अंबेडकर, और इसकी डेथ हो गई है हार्ट ऑपरेशन के कारण। इसका हार्ट ऑपरेशन होने जा रहा था तो इसकी डेथ हो गई है। तो भाई कल तो फेसबुक पे भोकाली आ गया, मतलब सब लोग इसको श्रद्धांजलि देने लगे, ये देने लगे, वो देने लगे, सब लोग आंसू बहाने लगे। लेकिन भाई सच्चाई बताऊं, ये आईडी भी फेक है, लड़की भी फेक है, फोटो भी फेक है, सब कुछ फेक है इसका। मतलब ये एक फर्जी आईडी थी फेसबुक की, और जिसे सब लोग देखकर रोना शुरू कर दिए। इस लड़की के बारे में पिंटरेस्ट एक वेबसाइट है, उसने बताया है कि इसका नाम है निर्मला आर्या, ये एक मॉडल टाइप की लड़की है, फोटोज डालती रहती है। और इंस्टाग्राम पे मैंने इसकी कुछ और फोटोज देखी जिसमें इसकी आईडी का नाम बताया जा रहा है चौहान्स करके। तो भाई मैंने बता दिया है, आंसू मत भाव, ये लड़की फेक थी और आईडी भी फेक थी, गलत फोटो यूज कर रही थी। तो ये एक अपडेट निकल कर आई थी। क्या आपका भी कटा है फेसबुक के ऊपर? आपने भी डाला था कि इसके बारे में श्रद्धांजलि भरा कुछ? तो गाइस अगली जो स्टोरी निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है एक्टिविस्ट वेद को लेकर। आपको एक खुशखबरी बता देता हूँ कि एक्टिविस्ट वेद के 8 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, उसके लिए वेद भैया को बहुत बहुत बधाई। और उनके चैनल से एक अपडेट निकल कर आ रही है, जो पप्पू यादव बहुत बड़े बिहार के नेता माने जाते हैं, जन अधिकार पार्टी उनकी पार्टी है। और गाइज उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि सुशांत सिंह का केस इसलिए लाया जा रहा है बीच में ये मनुवादी मीडिया की तरफ से, जिससे बिहार के जो मुद्दे हैं ना, बाढ़ का मुद्दा, ये हटाया जाए। तो ये वीडियो देखो। मैं पूरी इंक्वायरी चाहता हूँ, कोरोना और बाढ़ को डाइवर्ट कल किया गया सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा। इन लोगों ने बाढ़ क्षेत्र पर घोषणा कुछ नहीं की, नहीं वो तो जबरदस्ती भेज दिया गया था। वो गलती किया महाराष्ट्र की सरकार ने, आपको जो राइट है वो आप करिए, लेकिन आप किसी एसपी को इस तरह नहीं कर सकते। पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिंक है। पप्पू यादव जी ने बोला है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, जो भी उसके साथ गलत हुआ है उसके अपराधी को सजा मिले, लेकिन जो बिहार के मेन मुद्दे हैं वो मीडिया नहीं दिखा रहा है, और जो सही तकलीफें हैं लोगों की कोरोना काल में वो मीडिया नहीं दिखा रहा है, वो राम मंदिर और भाई केवल सुशांत सिंह का केस लेकर बैठा हुआ है, टीआरपी हासिल कर रहा है। कुछ बोलोगे यार इस मीडिया के बारे में तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, आपके दिल में कितना जहर है इस मीडिया के लिए। भाई बहुत दिनों बाद और शायद पहली बार प्रकाश अंबेडकर जी, जो कि बाबा साहब अंबेडकर के पोते हैं, वो राम मंदिर को लेकर कुछ बोले हैं। उनका कहना है कि ये जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तथ्यों के आधार पर, सबूत के आधार पर फैसला नहीं दे रही है। जिस प्रकार से बौद्धों का केस रिजेक्ट कर दिया गया हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, ये सब गलत है। राम मंदिर जहाँ पर बन रहा है वो पुरानी हमारी साकेत है, वो इस बार साफ और खुल के बोले हैं। तो वीडियो देखो। राहुल सांस्कृत्यान जो हिस्टोरियन है, उन्होंने ये कहा कि अयोध्या ये पुरानी सांकेत शहर है, बुद्धिस्ट लर्निंग ऑफ सेंटर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला जब गया तब उन्होंने भी उत्खनन करने की बात हुई, उत्खनन हुआ आधे हिस्से में, वहाँ पूरी तरह से बुद्धिस्ट संस्कृति के निशान ही वहाँ पर मिले। लेकिन फैसला जो है वो तथ्यों पर नहीं आया, भावना पर आया और राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में गया। पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में इसका लिंक है। इस वीडियो के अंदर प्रकाश अंबेडकर जी ने यह भी बोला कि वैदिक धर्म को मानने वाले लोग, या फिर कह सकते हैं सवर्ण लोगों को, वो लोग दूसरे धर्मों के ऊपर अपना कब्जा कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं और भारत में उनको दबा रहे हैं, ये उनका साफ साफ कहना था वीडियो के अंदर। अब इस बात को लेकर आप क्या बोलना चाहते हो नीचे कमेंट करके कमेंट कर सकते हो। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है प्रकाश अंबेडकर जी ने बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते, अब तो बहुत समय निकल चुका है। बाकी आपका जो राय है नीचे कमेंट करो। तो भाई अगली जो स्टोरी निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है एक कदम भीम मिशन की और चैनल से, जिसको चलाते हैं विशाल जाटव जी, और उनके कंप्लीट हो चुके हैं 1 साल में 1 लाख सब्सक्राइबर। तो इस मौके पर उन्होंने क्या कहा अपने सब्सक्राइबर से, ये वीडियो देखिए। साथियों, मैंने शुरू से इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ यही रखा है कि गरीब दलित शोषित वंचितों पर हो रहे उत्पीड़न व अत्याचार की आवाज़ उठाना। साथियों, ये उद्देश्य आज भी है और आगे भी यही उद्देश्य रहेगा। साथियों, हमने 1 साल के अंदर ही 1 लाख सब्सक्राइबर यानी 1 लाख अपने बहुजन समाज के सदस्यों को जोड़ लिया है।
फुल वीडियो लिंक कमेंट बॉक्स में है। विशाल जाटव जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, उन्होंने एक साल में 1,00,000 सब्सक्राइबर हासिल कर लिए हैं और बहुत मजा आता है उनकी वीडियो देखकर। आप लोग भी उनको बधाई देना चाहते हो तो नीचे कमेंट में जाकर दे सकते हो। भाई अगली जो स्टोरी बताऊंगा इसको सुनने के बाद आपकी आंखें खुली के खुली रह जाएगी और पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हाँ भाई, राम मंदिर के नाम पर बीजेपी वालों ने खाए है 1400 करोड़ रुपए। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ना कोई मुस्लिम बोल रहा है, ना कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति बोल रहा है, ये तो इनके ही पंडित बोल रहे हैं, धर्म गुरु लोग बोल रहे हैं, हिंदू महासभा के लोग बोल रहे हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो देखो। 47 से लेकर हिंदू सभा राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहा था, यही लाल कृष्ण आडवाणी सहित भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रमुख नेताओं ने हमारे नेताओं से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप लोग इस तरीके से मुकदमे लड़ते रहेंगे, अगर आप कहें तो इसका हम राजनीतिकरण कर दें और अपनी सरकार बन जाएगी तो राम जन्मभूमि का मुकदमा ठीक ठाक हो जाएगा। और साहब, हम लोग साइलेंट हो गए, अपनी छाती में इनको बैठा कर पूरे भारत में रथ यात्रा निकाली और उस रथ यात्रा से इकट्ठा 1400 करोड़ रुपए ये लोग डकार गए, जिसका आज हिसाब नहीं है। तो गाइस, देखा आपने वीडियो जिसमें ये पंडित लोग साफ साफ बोल रहे हैं, हिंदू महासभा के नेता लोग बोल रहे हैं कि हम तो 47 से केस लड़ रहे थे भाई, लेकिन बीजेपी वाले हमारे पास आए, बोलते हैं कि हम राम मंदिर का राजनीतिकरण कर देंगे और राम जब सत्ता में आ जाएंगे, सत्ता में बैठ जाएंगे तो राम मंदिर बना देंगे, ऐसा लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा, बड़े बड़े नेताओं ने कहा इन हिंदू महासभा के नेताओं को। और इसके नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर ये सब बड़े बीजेपी नेता 1400 करोड़ खाकर बैठ गए और डकार भी नहीं ले रहे हैं। तो भाई ये बात आपके सामने मैंने रख दी है, आप क्या बोलोगे इस बारे में नीचे कमेंट करके बताओ। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक आपने मेरा चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो महीने के केवल 29 रुपए देकर आप लोग मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे मुझे कुछ आर्थिक सहायता होगी। बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करिए बहुत ही ज्यादा। लाल कलर का बटन दबाओ, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाओ। तब तक के लिए बाय बाय।